एक चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि कंटेंट क्रिएटर हर कोई बन जाता है, इन्फ्लुएंसर हर कोई बन जाता है, लेकिन इस इन्फ्लुएंसर के पीछे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो आपको तब समझ आता है जब आप अपना इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं, यूट्यूब खोल के देखते हैं, फेसबुक खोल के देखते हैं और देखते हैं कि इतने लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ का मैं चाहता हूँ आप सब लोग ये भी ध्यान रखें कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, हेट मिलनी तो आपको भाई पक्की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस तक पहुँच जाएँ और बिल्कुल आसानी से सेल थ्रू कर जाएं। क्योंकि जब हम बचपन में छोटे भी होते हैं ना, हमें यही सिखाया जाता है, अगर आपको उस गुलाब तक पहुंचना है तो आपको कांटों पे चल के तो जाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं भी गया हूं और आप सब लोग मेरी कहानी जानते हैं। बहुत सारे जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो अच्छी खासी वायरल हुई और थोड़े टाइम के बाद मुझ पर एलिगेशन लगने लग गए कि भैया आपने इनका पैसा खा लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। तो वो जो समय था ना 6-7 दिन का, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट कहीं ना कहीं एक फेथ था, एक विश्वास था कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। और वो फेथ नहीं मुझे आज आपके सामने बिठा के रखा हुआ है, क्योंकि आप जब किसी का गलत नहीं करते ना, तो आपके साथ वो ऊपर वाला कभी गलत होने भी नहीं देगा। अगर मेरी इंटेंशन गलत होती, अगर मेरा विचार गलत होता, अगर मेरी सोच गलत होती, तो शायद मैं यहाँ होता ही नहीं, शायद मैं वहीं पे वीडियो बनाना रोक देता, शायद मुझे लोग आगे बढ़ने ही ना देते। ये सब आप जितने लोग आपको हेट करते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा उससे ज़्यादा लोग आपको प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं आपको आपके काम के लिए। और एक और चीज़ आपको जाननी है, ज़रूरी है कि कोई भी आप काम करें, ऐसा नहीं कि आप फूड ब्लॉगिंग करें, ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी के MNC के CEO हैं, ऐसा नहीं कि आप फैशन ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं या आप बाइक राइडर हैं, कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, और अगर आपके 10 फॉलोअर्स हैं तो 10 में से 10 आपको कभी प्यार नहीं करेंगे, 10 में से 8 आपको ज़रूर प्यार करेंगे, लेकिन 2 आपके अगेंस्ट ही जाएंगे, आप जितना मर्जी अच्छे कर लीजिए। और इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक वो गाना आया था जो हम आज भी सुनता हूँ मैं, जब मैं थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ होता है ना, या मैं अपने आप को हैप्पी हाई फील कराना चाहता हूँ, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। अगर आप ये सोचोगे कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनको सोचने दो जो उनको सोचना है। आप बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, अपना पैशन फॉलो करते रहो, क्योंकि डर के आगे जीत है ना।